हमने क्या किया है ना कि टॉपिक को हमने अपने साथ जो पढ़ाते हैं जो नोट्स में उसी हिसाब से बांट रखा है। जैसे इनऑर्गेनिक को हमने जो हमने डिवाइड किया हुआ है वो इनऑर्गेनिक को सबसे पहले डिवाइड किया है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, जितने भी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ाते हैं टॉपिक सारे SPDF पूरे इनऑर्गेनिक के पीरियाडिक प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ते हैं। एक वो प्रीवियस ईयर बनाया हमने, मौजूद है आपके चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में, और तीसरा पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन टेस्ट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तीन पार्ट और चौथा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये अलग पार्ट बनाया है। इन चार पार्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर में। ऑर्गेनिक में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, IUPAC आइसोमेरिक एक पार्ट को बना रखा है। दूसरा जो हमने बनाया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, है ना। तीसरा पार्ट जो हमने डिवाइड किया हुआ है वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो कर रहे हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे रिएक्शन होती है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन पायरोलिसिस या जो भी, और जो भी इसमें ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिक का IUPAC आइसोमेरिज्म हो गया, दूसरा GOC हो गया, तीसरा रिएक्शन मैकेनिक, चौथा पार्ट ऑर्गेनिक को हमने डिवाइड किया हुआ है नेमिंग रिएक्शन में, जो हम लोग आगे करेंगे, अगले संडे करेंगे उसकी प्रीवियस ईयर। फिर नेमिंग रिएक्शन के बाद हमने डिवाइड किया हुआ है अटैकिंग रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, और नाइट्रोजन कंपाउंड का रिडक्शन हो गया या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, है ना, इस तरीके के जो डिफरेंट रिएजेंट हैं ऑर्गेनिक के वो पढ़ते हैं। फिर बचा हुआ ऑर्गेनिक के पार्ट को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, पॉलीमर को अलग पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स को अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अलग पढ़ रहे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं अलग पढ़ते हैं, और एक अलग पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी वो तो डिफरेंट बनाया हुआ है हमने बिल्कुल। फिर फिजिकल को चैप्टर के हिसाब से बांट रखा है, मोलर कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम को एक साथ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कोलाइडल कैटलिस्ट और एडजॉर्प्शन तीनों पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से बांट रखा है पूरे हमने केमिस्ट्री।